हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्डिंग ड्राइंग। चूंकि ड्राइंग आपका सिविल इंजीनियरिंग का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, ये आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या कैसे पढ़ना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम है बिल्डिंग ड्राइंग, शॉर्ट फॉर्म BD बोलते हैं। इसका जो एग्जाम होता है सेमेस्टर एग्जाम, जो होता है वो होता है 60 नंबर का, 60 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसमें। और इसमें आपको पास होने के लिए पाना होता है 20 नंबर मिनिमम, मार्क्स आपका 20 नंबर होता है। इतना अगर आप पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज आपकी बैक आ जाएगी। आप इससे अधिक कितना पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपके ड्राइंग पे डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग कितनी क्लीन है, कितनी नीट है, कितनी साफ सुथरा है, वो उस पे डिपेंड करता है। अब देखिए कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है सिलेबस में। सिलेबस जो आपका है इसमें हमको पढ़ने के लिए क्या क्या हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक है सिंबल्स एंड कन्वेंशन। ठीक, सबसे पहले हमको पढ़ना है सिंबल्स एवं कन्वेंशंस। इसको हिंदी में बोला जाता है पदार्थों के प्रतीक। प्रतीक या इसको चिन्ह बोल लीजिए। ठीक, अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी वो जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस पदार्थ का कौन सा चिन्ह होता है। चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो इसमें हमको क्या होता है कि कंफर्म नाम हमेशा हर जगह लिखना मुश्किल होता है चार्ट पेपर पे। जैसे मान लीजिए हम किसी भवन का आरेखन बनाए या किसी भवन का चित्र बनाए, तो उसका हर जगह नाम लिखना, जैसे कहाँ पे हम ब्रिक यूज किए, ब्रिक मतलब ईंट, कहाँ पे हम ईंट यूज किए, कहाँ पे हम कंक्रीट यूज किए, ये हर जगह इसका नाम लिखना हमारे लिए समस्या होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसमें हमको पढ़ना है कि कैसे कैसे इसका चिन्ह किसका क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमको पढ़ना है दूसरा टॉपिक फाउंडेशन। फाउंडेशन को हिंदी में कहते हैं नींव। देखिए नींव क्या होती है वो आपको पता है कि किसी भवन के जो सबसे बॉटम पोर्शन में जो अवयव पाया जाता है, जो सबसे नीचे पाया जाता है, वो हमारा नींव कहलाता है। नॉर्मली हमारा जो नींव होता है वो घरों में दिखाई नहीं देता है, वो जमीन के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ का लेवल है, हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऊपर है, तो जो हमारा नींव होगा वो कहां होगा, वो नींव नीचे की तरफ होगा। नॉर्मली ये पोर्शन हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देता है। ठीक, ये हमारा नींव कहलाता है। नींव कई प्रकार की होती है, नॉर्मली ये 16 प्रकार की नींव होती है, लेकिन हमको पढ़ना है केवल 3 या 4,
जब ये पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि किस किस के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा हमको पढ़ना है, तीसरा जो पोर्शन पढ़ना है वो क्या है, ब्रिक बॉन्ड। ब्रिक बॉन्ड या ईंट बंध, इसमें क्या पढ़ना है, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मल अगर मान लीजिए हमारा ईंट होता है, ठीक, आप पढ़े होंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कि ईंट की साइज क्या होती है, ठीक। अब ईंट को जब हम जोड़ते हैं तो पहला रो मान लीजिए ईंट का ऐसे चलता है, तो दूसरे रो में क्या करते हैं, बॉन्ड देते हैं। ये बॉन्ड क्या कहलाता है, इसलिए देते हैं ताकि ये जो बॉन्ड है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर आता है तो ये हमारा बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा, इसलिए हमको बॉन्ड की आवश्यकता पड़ी कि हमारे ये जो बॉन्ड है, ये जो हमारे बंध है, ये आपस में एक दूसरे के पास ना आए और ये दूर दूर रहें ताकि बिल्डिंग कोलैप्स करने की संभावनाएं जो हैं वो कम हो, ठीक। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। इसमें कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, कैसे हमको जोड़ना है, वो आपको जब आगे सिलेबस चालू हो जाएगा उसके बाद ये बताया जाएगा। चौथा टॉपिक हमको पढ़ना है डोर। चौथा टॉपिक हमको पढ़ना है डोर। डोर नॉर्मली आपको पता है कि डोर क्या होते हैं, डोर किसी भी भवन के वो अवयव होते हैं जिनके रास्ते हम आवागमन का सुविधा होता है तथा भवनों में हवा का आवागमन होता है, वो हमारे डोर कहलाते हैं। अब डोर की साइज होती है, डोर का कुछ विड्थ होता है, डोर के पार्ट्स होते हैं, डोर के कई प्रकार के टाइप होते हैं, वो डोर हम आपको जब आगे आपका चैप्टर आएगा तब इसको बताएंगे। फिर हमको पढ़ना है आगे वाला पोर्शन क्या, ये अभी तक ये सारी वो चीजें बताई गई हैं जो किसी एक टॉपिक में सामूहिक तौर पे आएंगी। वो टॉपिक आपका है बिल्डिंग प्लान सेक्शन एंड एलिवेशन। ये टॉपिक हमारा बिल्डिंग प्लान सेक्शन एंड एलिवेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। ये क्वेश्चन 25 नंबर का अकेले आता है। इसके पहले जब बिल्डिंग ड्राइंग 75 नंबर का होता था तब ये क्वेश्चन 45 नंबर का आता था, ठीक। लेकिन जब इसको घटा के 75 से 60 किया गया है तो इसको घटा के हम 25 या 30 कर दिया गया, ठीक। अब देखिए इसमें आपको क्या होता है, प्लान सेक्शन और एलिवेशन बनाना होता है। कभी कभी केवल प्लान और सेक्शन देता है, कभी कभी सेक्शन के हटा के प्लान और एलिवेशन दे देता है। इसमें क्या बनाना है वो आपको जब बताया जाएगा तब बताया जाएगा कैसे होगा बनाने के लिए। प्लान में क्या होता है, प्लान होता है किसी भी पदार्थ का टॉप व्यू। सेक्शन क्या होता है, जब हम उसको किसी भी लंबाई या चौड़ाई के अलोंग कट करते हैं तो हमारा सेक्शन बनता है। एलिवेशन हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू या बैक व्यू, ये हमारा एलिवेशन में आता है। इसके बाद हमारा छठवां टॉपिक है फ्लोर एंड रूफ। फ्लोर एंड रूफ हमारा अगला टॉपिक है। फ्लोर में क्या होगा,
फ्लोर में कितने प्रकार की टाइल या मार्बल्स या पत्थर या किस किस चीज से फ्लोरिंग की जाती है इसके बारे में बताया जाएगा। रूफ किस किस चीज से बनाया जा सकता है, उसकी बॉन्डिंग कैसे की जाती है, कैसे उसको बनाया जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। फ्लोर में डीपीसी कब पड़ता है, कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है ये बताया जाएगा। डीपीसी आपको पता होगा, आप सीएम में पढ़े होंगे डीपीसी, इसको कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहते हैं सील रोक रद्दा, इसको कहते हैं सील रोक रद्दा। ठीक, ये इतना पढ़ना है। अब और क्या बचा है वो बता देते हैं। अगला हमको पढ़ना है सातवां आर्च। आर्च को कहते हैं डॉट, डॉट कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, आप देखे होंगे इस प्रकार की कुछ संरचना होती है, ये हमारा आर्च कहलाता है। ऑटोकैड आप पढ़े होंगे तो ऑटोकैड में आर्च का ऑप्शन आता है। फिर आठवां हमको पढ़ना है डीपीसी इन फ्लोर था, इसी में हमारा अगला आता है डीपीसी इन बेसमेंट, मतलब डैम प्रूफ कोर्स फ्लोर में कब पड़ता है और डैम प्रूफ कोर्स बेसमेंट में कैसे पड़ता है, ये दोनों आएगा। तो सबसे पहले हम आपको आज स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग कन्वेंशन और सिंबल से। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग सिंबल्स बिल्डिंग मटेरियल सिंबल्स एंड कन्वेंशंस, मतलब बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन सा हमारा बिल्डिंग मटेरियल होता है और उसका कन्वेंशन और सिंबल क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है। तो बिल्डिंग मटेरियल में आपका केवल गिट्टी, बालू, सीमेंट, रोड़ी, बड़ा गिट्टी, छोटा गिट्टी, ये सब नहीं आता है हमारे में। सीलिंग फैंस, वायरिंग, टोटी, यूरिनल, बाथटब, वेसिन, ये सारे हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स में आते हैं। तो इन सब का सिंबल हमको पढ़ना है और इन सब का सिंबल हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे पहला सिंबल हमारा जो होगा अर्थ फिलिंग का। अर्थ फिलिंग का सिंबल हमारा, अर्थ फिलिंग कह लीजिए चाहे अर्थ का सिंबल। ठीक, तो अर्थ का सिंबल हम कैसे बनाते हैं। अर्थ का मतलब ये होता है कि वो पोर्शन जहां पे हमको अर्थ दिखाना होगा। जैसे हम जब ड्राइंग बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, अर्थ के नीचे का भी चीज बनाएंगे और अर्थ के ऊपर का भी बनाएंगे। तो जब अर्थ, उसमें हम क्या करेंगे कि अर्थ लाइन से उस चीज को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला पोर्शन हमारा अर्थ के ऊपर का है
ये वाला पोर्शन अर्थ के नीचे का है। तो अभी आप देख, याद आपको होगा तो जब मैं बनाया था इसमें बिल्डिंग और यहाँ इसके नीचे नीव बनाया था तो एक छोटा सिंबल यूज किया था, वो ये था ऐसे। तो यही हमारा अर्थ का सिंबल होता है। तो इस दशा में जब हमको क्या नाम है बिल्डिंग के मतलब सॉरी अर्थ के ऊपर का भी पोर्शन दिखाना होगा और अर्थ के नीचे का भी पोर्शन दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे बीच में अर्थ का सिंबल दिखा के उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारा कौन यहाँ से अर्थ स्टार्ट होता है। ठीक, तो अर्थ का सिंबल बस जैसे ही अभी हम बनाए हैं उसी तरीके से अर्थ का सिंबल हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से। ये बॉक्स रिफरेंस के लिए लिया गया है ताकि चूंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है इसलिए हम छोटा से पोर्शन में इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा ये अर्थ क्या होती है इररेगुलर होती है, कभी एकदम फ्लैट नहीं मिलेगी आपको जब तक आप उसको फ्लैट अपने नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा अर्थ आपको नहीं मिलेगा, अगर जो नेचुरल अर्थ होगी उसमें क्या होगा इररेगुलरिटी होगी अंडुलेशन होगा, तो वो कुछ ऐसे होता है कहीं उभार होगा कहीं गहराई होगी, इस तरीके से हमको अर्थ मिलता है। और इसमें का जब सिंबल जो हम लगाते हैं वो सिंबल क्या होता है कुछ ये होता है। ऐसे हम कुछ सिंबल लगाते हैं, ये हमारा अर्थ का सिंबल हो गया। अब देखिए कुछ जगहों पे आपको सिंबल ऐसे ही मिलेगा, ऐसे रहेगा, तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से सिंबल दिखाया जाता है, बस मेन आपका ये सिंबल दिखाना है। इस तरीके से सिंबल आप दिखा देंगे तो ये हमारा अर्थ हो जाता है। ठीक, ये हमारा पहला हो गया अर्थ का सिंबल। अब अर्थ के बाद हमको आपको बताएंगे कि सैंड का सिंबल कैसा होता है। दूसरा हमारा हो गया सैंड। सैंड मतलब आपको पता ही है बालू। बालू देखिए, बालू हमारा क्या होता है, बालू का सिंबल कैसा होता है। एक सिंपल छोटा सा बॉक्स लेंगे रिफरेंस के लिए अपने, और इसमें हम क्या करेंगे कि डॉटेड डॉटेड ऐसे लाइन बना देंगे, सॉरी डॉटेड डॉटेड बिंदी टाइप का ये पूरा में हम भर देंगे। ये हमारा हो गया सैंड का सिंबल। अब देखिए ये जो सिंबल है यही सीमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, मतलब जहां पे सीमेंट की फिलिंग हो, और यही हम सॉयल के लिए भी यूज कर सकते हैं जहां पे सॉयल की फिलिंग हो। सॉयल मतलब होता है मृदा। ठीक, यही हम सिंबल दोनों यही सिंबल तीनों में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे लाइम कंक्रीट, मतलब जब हमारा चूना के साथ कंक्रीट का यूज किया जाता है तब हम कैसे बनाते हैं, तो हमारा तीसरा हो जाएगा लाइन कंक्रीट का सिंबल। अब देखिए लाइन मतलब चूना और कंक्रीट मतलब गिट्टी जो होती है, तो अब देखिए इसमें दो चीज है तो दोनों चीज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए लाइम है तो चूना सीमेंट और सैंड जैसा, तो हम सीमेंट और सैंड जैसा इसको बना लेंगे, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है कंक्रीट डालना है, तो बस कंक्रीट के छोटे छोटे कण हम डाल देंगे गोल गोल करके ऐसे, जो चूने की जो खड़िया होती है उस टाइप का, ये हमारा लाइम कंक्रीट का सिंबल हो गया। अब लाइम कंक्रीट के बाद चलते हैं सीमेंट कंक्रीट पे। लाइम कंक्रीट के बाद हम चलेंगे सीमेंट कंक्रीट पे। सीमेंट कंक्रीट पे अब जो सिंबल होगा वो थोड़ा सा इससे अलग होगा, वो कैसे होगा, इसमें हम डॉटेड डॉटेड ऐसे लगाते हैं
जैसे सैंड में था, और जब हम इसमें कंक्रीट डालेंगे तो कंक्रीट का जो साइज होता है वो इररेगुलर होता है, और थोड़ा सा वो हम इसको ट्रायंगल टाइप का दिखाते हैं। ये हमारा कंक्रीट का सिंबल हो गया, ये हमारा सीमेंट और कंक्रीट का सिंबल हो गया। अब देखिए, केवल कंक्रीट का था तो क्या कहते, ये जो अंदर का ये डॉट है इसको हटा के इसको केवल रखते तो ये हमारा केवल और केवल कंक्रीट हो जाता। अब देखिए, जहां पे भी आपको जरूरत हो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको बना लीजिए। इसके बाद हम बनाएंगे ब्रिक का सिंबल। ब्रिक मतलब ईंट। ब्रिक का सिंबल, अब देखिए ब्रिक हमारा जो होगा उसका सिंबल बनेगा। देखिए इसमें क्या करना है, आपको दो लाइंस ऐसे खींचनी है, एक और इसके जस्ट कुछ दूरी पे ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप रहेगा और फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और ये। अब देखिए इसकी दूरी जो है और इसकी दूरी जो होगी वो सेम होनी चाहिए, और फिर यहां से यहां तक की जो दूरी आप लिए हैं वो दूरी और इसकी दूरी सेम होनी चाहिए। ये इररेगुलर नहीं दिखना चाहिए कि ये आगे खींच दें इसको पीछे खींच दें, ठीक। उसको मिटा देते हैं और ऐसे ये सिंबल हो जाएगा। ये हमारा प्लान में सिंबल ऐसे आपको दिखेगा ब्रिक का। और जब एलिवेशन की बात करेंगे तो एलिवेशन में ये सिंबल ऐसे दिखता है। एलिवेशन में हमारा ये ब्रिक का सिंबल हो जाता है। ठीक, ये हमारा ब्रिक हो गया एलिवेशन में। अब इसके बाद ब्रिक के बाद हम चलते हैं टिम्बर पे। टिम्बर मीन्स होती है क्या, लकड़ी। टिम्बर, टिम्बर में हमको क्या करना है, देखिए जब आप कभी लकड़ी के एक पोर्शन को देखे होंगे तो उसमें आपको ऐसे गोल गोल करके ऐसे गोला दिखाई देता है, जिससे कहा जाता है कि इससे क्या होता है पेड़ का आयु पता चलता है, ऐसे करके तने में ऐसे होता है, इससे कहा जाता है कि हमें वृक्ष की आयु पता चलती है। बस यही इसी को यूज करके इसका सिंबल बना दिया गया है जो कर कुछ ऐसे करके होता है। ये हमारा टिम्बर का सिंबल हो जाता है, और ऐसे भी टिम्बर का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, पतली पट्टी टाइप का होगा वो, ये ऐसे करके होता है ऐसे, ये भी हमारा टिम्बर का सिंबल होता है। फिर टिम्बर का सिंबल आपको ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी हमको टिम्बर का सिंबल मिलता है। फिर हम चलते हैं ग्लास की तरफ। ग्लास, ग्लास क्या होता है, ये पीने वाला ग्लास नहीं, ये शीशा जिसको हम कहते हैं कांच। कांच हम कहां यूज करेंगे, विंडो में या डोर में। कांच का सिंबल कैसा होता है, ये हमारा कांच का सिंबल हो जाता है। फिर ये तो हो गए वो मटेरियल जो नॉर्मली यूज किए आते हैं। अब कुछ अलग, जैसे टिन, जिंक, एलुमिना, ये सब मटेरियल जो होते हैं इनका सिंबल हमको दिखाना है। तो इनका सिंबल कैसे होता है, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन,
कॉपर एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम का सिंबल होता है। ये ब्रिक के सिंबल के जैसा कुछ दिखेगा, लेकिन इसमें जो लाइनें होती हैं वो कॉन्टिन्यूस पूरे पोर्शन में जाती हैं। ये रेगुलर लाइनें होती हैं, इनके बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है। ठीक, ये हमारा कास्ट आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम, स्टील का भी यही होगा। जो इस टाइप के मटेरियल हैं उनका सिंबल ऐसे ही होता है। अब लेड, जिंक, लेड, जिंक, टिन, इसका सिंबल हमको बनाना है। तो लेड, जिंक और टिन का सिंबल कैसे बनेगा? लेड आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, पीबी होता है ना, पीबी। लेड, जिंक, टिन, इसका सिंबल कैसे बनता है? इसका सिंबल बनता है जालीदार। ये ऐसे पहले तो रहेगा ही, बाद में क्या करेंगे, ऐसे भी कर देंगे। ठीक, ये हमारा लेड का, जिंक का और इसका टिन का सिंबल हो गया। स्टोन का सिंबल, स्टोन का सिंबल बनाएंगे हम, स्टोन, स्टोन मतलब स्टोन का, मार्बल का, ये सब इसमें आता है। ये कैसे बनता है? ये कुछ ये हमारा कुछ स्टोन का सिंबल है थे, मतलब बोल्डर टाइप के होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े पत्थर टाइप के। ठीक, ये हमारे स्टोन और मार्बल के लिए। अब क्या करना हमको कि अब देखिए, अभी तक जो था, अब जो सिविल इंजीनियरिंग का है जो पोर्शन, अब उसमें क्या क्या आपका जरूरत का चीज आपको आगे मिल सकता है, जैसे नेशनल हाईवे पे क्या आपको देखने के लिए मिल सकता है, या क्या आपको मिल सकता है घरों में, जैसे सीलिंग फैन जो होते हैं हमारे, सीलिंग फैन, जैसे आप सीलिंग फैन तो जानते ही होंगे, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन हमारे, उसका सिंबल कैसा होता है? सिंबल होता है ऐसा। ये हमारा सीलिंग फैन का सिंबल होता है। एक होता है हमारा एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन में कुछ अलग नहीं होता है, बस ये जो सीलिंग फैन का पोर्शन होता है, सीलिंग फैन हुआ, इसी को क्या करेंगे, सर्किल में कर देते हैं, तो ये हमारा सीलिंग फैन आता है, एग्जॉस्ट फैन आता है। अब जब हम इसको ब्रैकेट फैन का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जान लीजिए, ब्रैकेट फैन क्या होता है, जो वॉल में लगा दिया जाता है, इसका सिंबल कैसे होता है? ये
कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा ब्रैकेट फैन का सिंबल हो गया। अब देखिए कुछ सिंबल्स हमारे जो है, ये तो नॉर्मल सिंबल है, इलेक्ट्रिकल सिंबल इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मटेरियल कन्वेंशनल सिंबल। अब देखिए कुछ सिंबल जो हमको नॉर्मल लाइफ में हमको देखने के लिए मिलते हैं, जो नेशनल हाईवे के सिंबल होते हैं, जैसे आप देखे होंगे ऐसे रहता है, इसमें लिखा होता है 40। इसका मतलब क्या है कि स्पीड लिमिट सेट की गई है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हमारी स्पीड लिमिट तय कर दी गई है यहाँ के लिए। तो ये सिंबल जो होते हैं, ये भी सिंबल हमारे सिविल इंजीनियरिंग के ही सिंबल हैं, जो बस जो चीज जिससे रिलेटेड होता है सिंबल्स उसी चीज से आपस में अटैच होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, तो ड्राइंग में जो मटेरियल हमारा यूज हो रहा है उसका सिंबल कैसा है, वो जैसे मान लीजिए ब्रिक हुआ, जैसे हुआ हमारा सैंड, सीमेंट, स्टोन, टिम्बर, तो ये सब जो सारी चीजें हैं उनका सिंबल जो होगा वो बिल्डिंग ड्राइंग का, वो बिल्डिंग ड्राइंग से रिलेटेड हो जाएगा। अब जो हमारा जैसे नेशनल हाईवेज पे हैं, रेलवे ट्रैक्स पे हैं, तो ये जो हमारे सिंबल्स हैं वो सिंबल हमारे क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के सिंबल हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के वो सिंबल हो जाते हैं। ठीक, वो हमारे, अब इसमें देखिए इसमें आपको कौन कौन से सिंबल दिख सकते हैं, ये भी आपके ही बिल्डिंग ड्राइंग का ही पोर्शन कहलाता है। इसमें आपको कौन कौन सिंबल दिख सकते हैं, जैसे अगर कहीं पे आपको ऐसे लाइन खींच के बीच में लिखा है NH, ठीक NH लिखा है, तो NH तो आपको सब लोगों को पता है कि NH क्या होता है, नेशनल हाईवे होता है। ये हमारा नेशनल हाईवे हो गया। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, इसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। अब देखिए एनएच का सिंबल ऐसा हो जाएगा आपका। आपको जब आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा रोड नॉर्मली कितने प्रकार का होता है, तो रोड हमारा होता है 6 प्रकार का। पहले 5 होता था, अब हो गया वो 6, उसमें एक ऐड कर दिया गया, तो वो 6 किस प्रकार क्या क्या होते हैं। एनएच होता है जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं, दूसरा होता है एसएच जिसको स्टेट हाईवे कहते हैं, तीसरा होता है MDR, इसको कहते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथा होता है ODR, इसको कहते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, पांचवा होता है VR जिसको कहते हैं विलेज रोड, और छठा होता है एक्सप्रेस वे, जो आप सुने होंगे आगरा एक्सप्रेस वे है आपका, लखनऊ से आगरा को जोड़ता है। ठीक, तो ये हमारे टाइप ऑफ हाईवेज होगा। इसका कोई खासा मतलब नहीं था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ठीक है। तो देखिए एनएच का सिंबल ऐसे होगा, फिर आपका आता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या जिसको डिस्ट्रिक्ट रोड कहा जाएगा, इसका सिंबल आपको मिलेगा ऐसे, लाइंस जो होंगी इसकी ये आपस में एकदम सटी हुई होंगी और ऊपर लिखा होगा DR। अब वो जो DR है वो
MDR है या ODR है, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक। ये जो DR है वो MDR है कि ODR है, ये डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, मतलब डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने जा रही है, या ODR है मतलब डिस्ट्रिक्ट से किसी कस्बे को जोड़ेगी या किसी विलेज को जोड़ेगी, वो है। विलेज रोड जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो रोड होगा जो विलेज से विलेज को जोड़ता होगा या विलेज से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता होगा, ये हमारा ODR कैटेगरी में चला जाता है। जब वही MDR है मतलब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जोड़ेगा तो ये हमारा MDR होता है, लेकिन जब ये डिस्ट्रिक्ट से विलेज को जोड़ता है तो हमारा ODR बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है कि ये DR मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड वो MDR है या ODR है। तो हमको सिंबल हमको देखना है, तो हमको बस इतना जानना है कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड है जो किसी डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रहा होगा या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट से किसी विलेज को जोड़ रहा होगा या टाउन एरिया को जोड़ रहा होगा, ठीक। फिर हमारा सिंगल लाइन में आता है VR, VR मतलब विलेज रोड, ठीक। अब देखिए ये हमारे कुछ सिंबल्स हो गए। फिर आपको एक सिंबल आपको दिखेगा जो सिंबल कुछ ऐसे होगा, ये सिंबल हमारा होता है रेलवे ट्रैक का, ये हमारा रेलवे ट्रैक का सिंबल कहलाता है। मतलब ये सिंबल जहां पे बना होगा उसके आगे क्या होगा, रेलवे ट्रैक होगी। तो हमको वहां से सावधानी पूर्वक क्रॉसिंग देखने के बाद अगर समपार फाटक गिरा हुआ है तो नहीं जाना है, और नहीं गिरा हुआ है तो दोनों तरफ उसके बावजूद भी क्रॉसिंग देख लेते हैं, उसके बाद ही हमें पार करना चाहिए। ये हो गई सावधानी की बात। फिर हमारा आता है कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जैसे बॉक्स है, अंदर लिखा है S। अब आप इससे क्या समझेंगे बताइए, आप अपने तरफ से अगर आप कुछ समझना चाहें कि S है इसका मतलब क्या है, ये हो गया स्कूल, ठीक। अब तो खैर इसको चेंज करके इसमें क्या कर दिया गया, इसमें लिख दिया गया, लिखा जाता है सावधान आगे स्कूल है, क्या कहा जा रहा है, सावधान मतलब आपको कैरी करना है, सावधान जाना है कि आगे हमारा स्कूल है, ठीक। अब प्लस का सिंबल मिलता है मतलब कि आगे हॉस्पिटल है, आगे हॉस्पिटल है, ठीक। फिर हमको अगर मान लीजिए कहीं सिंबल है ऐसा, मतलब चर्च, ठीक, ये चर्च का सिंबल है। अब अगर ये सिंबल है कि आर्च है, ऊपर क्या लगा है, झंडा, मतलब सॉरी आर्च है ऐसे और ऊपर झंडा लगा है, मतलब टेंपल है, ठीक, हमारा टेंपल होगा। फिर उसी तरीके से जो सिंबल होता है इस्लामिक
ऊपर क्या है बना हुआ है, तो मस्जिद है, मॉस्क क्या कुछ ऐसे बोलते हैं इसको, मस्जिद एग्जैक्ट मस्जिद। ठीक, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन मतलब नेशनल हाईवे पे जाते समय जो हमको मिलते हैं सिंबल्स उनके बारे में। कुछ हमारे विद्युत उपकरण जो आपको बताए हैं, कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जैसे ऊपर ऐसे हैं, नीचे ये, मतलब यहाँ पे क्या है अर्थिंग पॉइंट है। ये हमारा नीचे अर्थिंग पॉइंट है, ठीक, तो ये हमारा हो गया। ये इंपॉर्टेंट कुछ सिंबल थे जो मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि इसमें जितने इंपॉर्टेंट सिंबल थे वो आपको बता दिया गया। अब जो है कि आगे हमको क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस के हिसाब से बता दिया। आपका काम थोड़ा सा जो आपको करना होगा वो ये करना होगा कि अगर आपके पास तो बुक है नहीं, ठीक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास बुक नहीं है और आपके पास वाकई में बुक है नहीं, लेकिन अगर किसी की मित्रता अपने से बड़े क्लास वाले लड़कों से है, जैसे जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं सेकेंड ईयर में, ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का है बिल्डिंग ड्राइंग, तो उसमें जिसके पास मित्रता है अपने से बड़े बच्चों को, तो उन बच्चों से आप बुक ले लें और कोशिश करें कि पढ़ें। चलिए, जो लोग ऐसे कर लेते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके पास नहीं हो पा रहा है वो गूगल करें। ठीक, गूगल करेंगे आप तो आपको एक चीज पता चलेगी कि इन चीजों के बारे में, कि ये चीज क्या है, कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। बाकी आपको रेगुलर मटेरियल इस चैनल पे या यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में आपको तो जितना पॉसिबल होगा वो आपको बताया जाएगा। जहाँ पे भी आपको समस्या होगी, जहाँ आपको कोई भी परेशानी होगी कि ये चीज़ नहीं समझ में आई है, ये चीज़ क्लियर नहीं है, ये क्यों होता है, ये ऐसा कैसे होता है, आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न अगर उठता है तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करेंगे। आप उसको जानने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश मैं करूँगा कि मैं अगले लेक्चर में आपका कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद मैं अगले लेक्चर में आपका कोशिश करूंगा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करा जाए। उसके बावजूद अगर आपको नहीं समस्या आ रही है, ये कि ये नहीं सर समझ में आया या वीडियो में ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कोशिश कर सकते हैं बात करने की। मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारे प्रश्नों का जवाब दूँ। हो सकता है कि कुछ प्रश्नों का जवाब ना दे पाऊँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं उसको जानूं, मैं पढ़ूं, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा जरूर। देखिए, बिल्डिंग ड्राइंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये नॉर्मल ड्राइंग ही है एक तरीके से। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें आपने क्या पढ़ा, प्रोजेक्शन पढ़ा, टॉप व्यू पढ़ा, साइड व्यू पढ़ा, बॉटम व्यू, ये सारे पढ़े। अब वही सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है, थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग हो जाता है। कोशिश अब यही करनी है कि हमको ड्राइंग को अपना फेवरेट बनाना है। क्यों? क्योंकि आपके आने वाले चारों सेमेस्टर में आपको ड्राइंग पढ़ना ही है। थर्ड सेमेस्टर में आपको बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में आपको RCC ड्राइंग पढ़ना है, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग, और छठवें सेमेस्टर में आपको पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग।
तो ये ड्राइंग्स आपको चारों सेमेस्टर में पढ़ना ही है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को आज ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कहीं भी समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे अपना प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।